बॉलीवुड के ही मैन कहे जाने वाले अभिनेता धर्मेंद्र ने मिथुन चक्रवर्ती के साथ उनके बेटे नमाशी चक्रवर्ती को एक बेहद ही खास और प्यारा सा पैगाम भेजा था, जिसमें धर्मेंद्र ने अपने दिल के कई बातें कही थी। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि धर्मेंद्र ने ये पैगाम किस लिए भेजा था और इस पैगाम में उन्होंने क्या कुछ कहा था? अगर नहीं जानते तो चलिए हम आपको बताते हैं, मगर उससे पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, आपको बता दें कि अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती और बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र दोनों ही एक समय के मशहूर अभिनेता रहे हैं। इतना ही नहीं, दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त भी रहे हैं, जिनके बीच का बॉन्ड बिल्कुल सगे भाइयों की तरह है। मगर अपने काम की वजह से दोनों एक दूसरे से ज्यादा मुलाकात नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों में से किसी के दिल में भी एक दूसरे के लिए प्यार कम हो गया, बल्कि समय के साथ साथ दोनों की दोस्ती काफी स्ट्रांग होती चली गई। यही वजह है कि अभिनेता धर्मेंद्र ने मिथुन और नमाशी दोनों के लिए एक प्यारा सा खास पैगाम भेजा था, जिसमें धर्मेंद्र ने कहा कि मिथुन चक्रवर्ती मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मगर बिजी शेड्यूल की वजह से दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं, पर हम दोनों की दोस्ती काफी अच्छी है। मिथुन ने कई बार अपने हाथों से खाना बनाकर मुझे खिलाया है और अब उसका बेटा नमाशी चक्रवर्ती बॉलीवुड इंडस्ट्री में डेब्यू करने जा रहे हैं और उसकी फिल्म बैड बॉय 28 अप्रैल को रिलीज हो रही है। तो आप सभी से दरख्वास्त है कि इस फिल्म को जरूर देखें और मैं तो ये चाहता हूँ कि नमाशी ब्राइट स्टार के रूप में सभी के सामने आए और उसे उसकी लाइफ में काफी सक्सेस मिले। इस तरह अभिनेता धर्मेंद्र ने मिथुन और नमाशी के लिए एक खास पैगाम भेजा था, जिसे सुनने के बाद मिथुन को भी बहुत अच्छा फील हुआ और उन्होंने धर्मेंद्र को थैंक्स तक कहा, तो वहीं नमाशी ने भी धर्मेंद्र को शुक्रिया अदा किया। तो दोस्तों, आपको धर्मेंद्र का ये पैगाम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इसी तमाम खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।